अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपको आज के सोने और चांदी के भावों को जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में सोने और चांदी का भाव कहां पर पहुंच चुका है। भारतीय सरापा भाषा में 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव कहां पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने कोल्डम बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होता है, ताकि दोस्तों हम आप तक रोजाना सोने और चांदी के भाव सबसे पहले पहुंचा सके। चलिए तो सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 500 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद चांदी का भाव 63,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज 14 कैरेट सोने का भाव 29,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। तो वही 18 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो 38,250 रुपए पर प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 22 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 4,961 रुपए, 8 ग्राम पर 39,688 रुपए, 10 ग्राम पर 49,610 रुपए, 100 ग्राम पर 4,96,100 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,410 रुपए, 8 ग्राम पर 43,296 रुपए, 10 ग्राम पर 54,120 रुपए, 100 ग्राम पर 5,41,200 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि भारत के बड़े बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में फर्क होता है। ऐसे में भारत के बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के भाव यहां पर दिए गए हैं, जिसमें चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आपको दी गई है। वही अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहां पर रोजाना सोने और चांदी के भाव सीधे सरापा बाजार से देते हैं, और वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।